Yeah, yes, yeah, अरे बात माइंड क्राफ्ट वन ब्लॉक और उसके सर्वाइवल तो, तो धीरे धीरे आते रहेंगे उसकी वे डायरेक्ट डालने वाला उसके वही धीरे धीरे दो तीन हफ्ते पे खैर सो आज हम लोग आ चुके हैं थोड़ी बहुत बिल्डिंग करने के लिए तुम लोग की हाँ एक दो कॉमेंट्स थे कुछ बिल्ड करने के लिए सो so, आज बनाने वाला हूँ अपने लिए एक होटल यस थोड़ा सा मॉडर्न हाउस हम लोग तो भाई कासल में रहते हैं बटिया हम लोग बनाने वाले हैं एक होटल कॉन्क्रीट से यस सो so, इससे बनाने के लिए भाई मेहनत तो लगी है एंड अभी नहीं कह रहा हूँ वीडियो को लाइक करो वरना मार खाओगे एंड यह yeah, बहुत सारी चीज़ें न्यू आ चुकी हैं जो मैंने कपह लगाई थी सी फेदर आए हैं क्रोकोडाइल वगैरह आए हैं एक टर्की नाम की मुर्गी आई है ये, ये मुर्गा है सॉरी और क्रोकोडाइल आया है और डॉल्फिन आ चुकी हैं सो so, ये सब अभी बहुत पहले आ गया था बट ये मैं वीडियो अभी डाल रहा हूँ तो अभी बता रहा हूँ ओके सो ये सब हम लोग बाहर में जाए सॉरी बाद में एक्सप्लोर करेंगे आज के लिए तो भाई यही करने वाले हैं इंडिया तुम लोगों को पता होगा कॉन्क्रीट बनाने के लिए हमें पहले बनाना होता है सीमेंट एंड सीमेंट के लिए चाहिए होता है सैंड और ग्रेवल जो कि मैं पहले से ही भर भर के तोड़ रहा हूँ भरे में, मैंने एक डायमंड शवल बनाई थी उसकी हेल्थ देख हो तुम लोग कहाँ पहुँच गई मैंने इतना ज़्यादा तोड़ा सैंड ग्रेवल पर फिर भी मैं तुम्हारे लो, तुम लोग के सामने मैं बहुत सारा तोड़ने वाला हूँ सो so, यार पहले तो भाई वही चलेंगे तोड़ने के लिए भाई सैंड ग्रेवल चाहिए चाहिए सीमेंट बनाने के लिए तभी बन पाएगा कॉन्क्रीट वगैरह लास्ट टाइम पर मैंने इसके में जस्ट बगल में एक डेजर्ट एरिया है मैंने वहीं से उठाया था सारा सारा सैंड और वहीं मेरे को ग्रेवल भी मिल गया था मैंने वहीं से भाई पूरा भर भर के ये नहीं ये वाला एरिया नहीं उसके आगे यहाँ से मैंने भी बहुत पहले लिया था वो वाला एरिया है इससे आगे की तरफ मैंने बहुत सारा सैंड इकट्ठा किया था लाइन से भर भर के भाई इन्वेंट्री भर भर यूनिवर्सिटी इन्वेंट्री भर मैंने सैंड ग्रेवल लिया था यहाँ से एंड फिलहाल मैं यहाँ से और भी बहुत सारा सैंड लेने वाला हूँ कॉज भाई वहाँ पे जो मैं होटल बनाऊंगा उसमें तो कंक्रीट तो लेगा ही बट मेनली ग्रेवल से ज़्यादा तो मुझे सैंड की जरूरत पड़ी कॉज मुझे यहाँ पे ग्लासेस भी बहुत सारे लगाने होंगे एंड ग्लासेस भी सैंड से ही बनते हैं भाई यहाँ देखो मुझे पूरी रेलवे लाइन बिछा दी है रवि ने बना डाली मैंने सो so, यहाँ पे भाई सैंड नीचे हम लोग ग्रेवल भी मिल जाता तो डबल काम हम लोग हो जाता है ग्रेवल के लिए हम लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा माउंटेन्स पर सो so, यहाँ पे मैं भर वर् कभी बैठ के अच्छा खासा ग्रेवल और सैंड तोड़ने वाला हूँ सो so, मिलते हैं थोड़ी देर बाद सो so, मैं यहाँ पे बहुत सारे मेनली ग्रेवल तोड़ के लाया लाऊँ कॉज मैंने जो याद है कि भाई मैंने सैंड ऑलरेडी बहुत सारा तोड़ के रखा हुआ इसलिए मैंने मेनली ग्रेवल तोड़ा है एंड बीच में मेरे को एक कछुआ मिल गया था तो भाई बेचारे को मार कर उससे शेल ले लिया था एंड अभी जो भी सामान मुझे चाहिए जो भी मुझे बनाना है सब कुछ मैं एक सेपरेट चेस्ट में रखने वाला हूँ ठीक है तो मैं तो बहुत सारे सीमेंट uh, क्राफ्ट करने वाला हूँ ठीक है एंड एंडून सीमेंट को मैं वाइट सीमेंट और ब्लैक सीमेंट बनाऊँगा कलर करके क्राफ्टिंग टेबल से सो so, मेरे पास पहले से थोड़ी बहुत हड्डियाँ परी रखी हुई हैं एंड उससे पहले मैं यहाँ पे अपनी डायमंड सेवल रिपेयर करूँगा भाई मैंने इस पर कितने अत्याचार किए भाई मैं तब से इस चीज़ें लगातार माइनिंग किया जा रहा हूँ भाई पहले मैं इसे रिपेयर करता हूँ थोड़ा मुझे अपने पिक भी रिपेयर कर लेते हैं लगे हाथ अगर हैमर बच जाए तो मैंने यहाँ पे दो हथौरी बनाए हैं आ, एक में तो भाई ये पूरा शेयर ले ही लेगा दूसरे में थोड़ा तो बचेगा तो मैं इसे पिक वगैरह भी रिपेयर कर दूँगा एक्स की कोई ज़रूरत है नहीं एक्स में उतना लकड़ियाँ काटता भी नहीं मेनली तो मैं इसको मैं मारने के लिए अटैक के अटैक के लिए यूज़ करता हूँ उसमें उसमें इसके यूजेस बढ़ जाते हैं भाई सोर्ड मैं यूज़ ही नहीं करता ये इतने टूल्स मेरे काम के और मैं किससे लड़ लू भाई कोई है ही नहीं लड़ने के लिए क्या ही बताऊँ मैं मल्टी क्राफ्ट का सही ना हमें मल्टी क्राफ्ट बिल्डर मैन खाली बिल्डिंग करो माइनिंग करो बस लड़ाई मराई कुछ भी नहीं यहाँ पर तो सीमेंट क्राफ्ट करने के लिए सैंड और ग्रेवल के साथ साथ कुछ और की भी जरूरत पड़ती है सो ये है वाटर बकेट यस हमें वाटर भी चाहिए होता है सीमेंट को क्राफ्ट करने के लिए सो मैं एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स अपने इस कासल के अंदर बनाने वाला हूँ एंड और भी मुझे चाहिए होंगे तो मैंने मैं भर भर के भाई पानी ला चुका हूँ अपने फार्म से एंड भाई मैं एक कासल के अंदर ही ले लूँगा एंड फ़िलहाल मेरे अचीवेंट ट्वेंटी फ़ाइव परसेंट कम्प्लीट हो चुकी है वाह इतनी जल्दी ट्वेंटी फाइव परसेंट सिक्स हम फाइव परसेंट और बचाए जो कि मैं इसमें सोच रहा हूँ एक सेपरेट वीडियो बना ही दूँ भाई पचास परसेंट उन्हें ट्राई कर लेंगे मतलब लोग मैंने बहुत सारे कम्प्लीट कर रखे हैं देखते हैं कभी ना कभी तो हंड्रेड हो गए सो so, कुछ इस तरह से हमारा सीमेंट क्राफ्ट होता है चार ग्रेवल चार सैंड और एक बाटली पानी की सो so, कुछ इस तरह से ग्रेवल रखा यहाँ पर चार में बस ग्रेवल है 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 पहले नहीं आ, पहले मैं सैंड स्टोन को मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है सैंड में ये रखा मैंने यहाँ पे ग्रेवल चार एंड यहाँ पे मैंने रख दिया है सैंड के चार स्टैक एंड बीच में एक वाटर की बाटली एंड ये बने मेरे आठ सीमेंट एंड ऐसे मैं बाटली बदलूंगा फिर आठ सीमेंट और खाली बाटली मेरी इन्वेंट्री में आ जाएगी गई नहीं एंड इस तरीके से मैं भर भर के बहुत सारे सीमेंट क्राफ्ट करने वाला लाइक बहुत सारे तो ये टाइम लैप्स तो मैंने अभी बहुत सारा सीमेंट क्राफ्ट कर लिया है अभी मैं इन्हें ब्लैक सीमेंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्लैक डाई एंड ये ब्लैक डाई मैंने कोल की मन सीजली बना लिया था एंड अभी बारी है व्हाइट सीमेंट बनाने के लिए तो भाई मेरे पास बहुत सारे फ्लावर्स पर है मेरे पास थोड़ा बोन भी है तो उन्हीं से वाइट डाई या बोन मिल बना बना के मैं व्हाइट सीमेंट बनाने वाला हूँ और ग्लासेस के लिए मैंने अभी बहुत सारा सैंड स्मेल्टिंग लगा दिया लाइक बहुत सारा ताकि जब मैं वापस आऊँ तो भर भर के ग्लास ऑटोमेटिक स्मेल्ट होते रहे एंड अभी मैं पे कासल से थोड़ी दूर जाकर तो अच्छा सा एरिया ढूंढूँगा जहाँ पर मैं अपना ये होटल बड़ा सा या मैंशन जो भी कहूँ मॉडर्न हाउस बिल्ड कर सकूँ सो so, देखो मुझे ज़्यादा अपने कासल से दूर भी नहीं बनाना और ज़्यादा पास भी नहीं बनाना एंड हाँ एरिया थोड़ा प्लेन भी होना चाहिए ऐसे नहीं कि कहीं एट मैंने बना दिया सो so, पहले तो ये मेरे को ये पुल पार करने दो तो मैं यहाँ पे भी अपने कस से तीन सौ साठ मीटर की दूरी पर हूँ यहाँ पे मेरे को एक मस्त था ग्रीन ग्रीन एरिया देखा जो थोड़ा बहुत साफ भी है थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊबर खाबर तो मैं ऐसे प्लेन कर दूंगा थोड़ा बहुत काट छिटा करके और मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ के थोड़ा व्यू ले रहा था कैसा है एरिया तो ठीक ठाक एरिया है काम चल जाएगा अपना तो अभी मैं नीचे उतरता हूँ थोड़ा एरिया फ्लैट पर ध्यान देता हूँ तो यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट अच्छा खासा बड़े एरिया बस सा फ्लैट बनाने वाला हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत हट हटानी भी पड़ेगी और थोड़ी बहुत सही जगह पर लगानी भी पड़ेगी कुछ देर बाद कुछ दिन ऐसा है भैया अभी मैंने काफ़ी अच्छा से एरिया क्लियर कर दिया मैं और भी एरिया क्लियर करने वाला हूँ एंड भैया देखो कितनी सारी घास पड़ी रखी है ज़मीन पर मैं सिर्फ इन एंट्री में डर्ट ही कलेक्ट कर रहा हूँ तो फाइनली गेम के तीन दिन की मेहनत के बाद मैंने मस्त सा एरिया क्लियर कर दिया है एंड ये तीसरा दिन मेरे ख्याल से पूरा होने ही वाला है एंड सुबह भी मैं स्टाइट होगी तो कुछ ऐसा एरिया यहाँ पर सामने आया भाई स्क्वायर से टाइप का एरिया है प्लीज इतने मैं अपना घर इजीली बना लूँगा ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली तो मैंने अभी यहाँ पे फिलहाल इस टाइप का शेप बना दिया अपने मैंशन के लिए एंड फिलहाल अभी मैंने एक ब्लैक सीमेंट से बाउंड्री की एंड उसके उस, उस पर मैं वाइट सीमेंट के पिलर्स लगाने वाला हूँ सो मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़े गैप पे पिलर्स के लिए जगह रखी है एंड मैं इन पिलर्स को पाँच ब्लॉक का लंबा करूँगा एंड फिर उनके ऊपर ही वैसे बनाने वाला हूँ सो देखते रहे तुम लोग ऐसे भी ग्लासेस भी लगाने हैं पर मैं बताए एक दिक्कत आ रही है मेरे सामने ग्लासेस के लिए कोज मैंने सब ब्लू ग्लास लगाते हैं मॉडर्न हाउस में एंड ब्लू ग्लास के लिए हमें ब्लू डाई चाहिए होगा एंड उतना सारा ब्लू डाई मैं कहाँ से लाऊँगा खैर उसका बाद में देखेंगे अभी फिलहाल जो है वही करते हैं तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखो उस तो जगह जगह पर ये लगा दिए हैं तो अभी मैंने अपने पिलर्स को लंबा करना भी स्टार्ट कर दिया अभी मैं सभी पिलर्स को पाँच पाँच ब्लॉक तक का लंबा कर दे रहा हूँ एंड भी बताया मैंने इस पर एक ट्रिक यूज़ की है हैक समाज से कह सकते हैक तो है भाई देखो ऐसा होता है तुम्हें बार गिनना पड़ता है ना एक दो तीन चार पार्ट बच नहीं बट नहीं मैंने क्या किया है मैंने एक स्टैक में से जो सिक्सटी फोर होता है उसमें से मैंने चार को फेंक दिया सिक्सटी थे एंड मैं अपनी इन्वेंटर में देख रहा हूँ मैं लगाते जा रहा हूँ जैसे ही सिक्सटी से फिफ्टी फाइव हो रहा है मैं रोक दे रहा हूँ एंड फिर नेक्स्ट में जा रहा है मैं नेक्स्ट फिफ्टी फाइव से फिफ्टी तक हो रहा है रोक दे रहा हूँ बहुत मतलब मुझे गिनने की जरूरत नहीं बस मेरे को अपनी इन्वेंट्री देखनी है पाँच ब्लॉक लग गए फिर हाँ नेक्स्ट बोलो आगे मैंने ऐसा कुछ यूज़ किया तो अच्छा है आई होप तुम लोग समझ गए गयोगे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा छोटा सा ही हैक है लेकिन हाँ है काम आ सकता है गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ऐसे मैं पूरे में लगा दूंगा उसके बाद तो भाई ग्लास के चक्कर आएगी ग्लास के बारे में थोड़ा सा तो मुझे सोचना पड़ेगा भाई ग्लास के बारे में क्या करना पड़ेगा बिकॉज उतना सारा ब्लू डाई मैं नहीं ला सकता भाई उतना फ्लावर्स तो होंगे भी नहीं मेरे पास तो जाने से पहले मैंने कुछ ग्लास रखे तो फरानस में अब तक अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं भाई मैंने बहुत सारे ग्लास रख लिए तो देखो भाई पूरी ऑलमोस्ट इन्वेंट्री भर है तो अभी मैं इन्हें कलर करने वाला हूँ ब्लू में बारे मेरे पास ज़्यादा ब्लू डाई तो है नहीं देखते हैं भाई पूरा कासल छान मारता हूँ कांसल नीचे का ग्राउंड भी छान मारता हूँ देखता हूँ ब्लू टाई मेरे को मिल पाता है या नहीं ओके सर जितने ब्लू टाई मुझे मिले हैं भाई उतने ही कुत्तों की तरह मेहनत करने पे उससे सिर्फ इतने ही ग्लास बने सिर्फ दो तीन स्टैक भाई इतने मेहनत कर मेरे को दो तीन स्टैक मिल रहे हैं अब एक ही तरीका है मैं ब्लू ग्लास तो नहीं लगाने वाला कुछ और घुसना पड़ेगा बट मेरे शातिर दिमाग में एक शातिर साइडिया आ रहा है तो भाई एक बात बताओ तुम्हें ये कलर कैसा लग रहा है भाई नीचे पर्पल पर्पल लग रहा है यस भाई मैंने सोच लिया है मैं तो भाई पूरे में पर्पल ग्लासेस ही लगवाने वाला हूँ अब बताता हूँ क्यों क्योंकि भाई देखो पर्पल ग्लास को बनाने के लिए हमें चाहिए था ब्लूबेरी एंड यहाँ पूरे भी ब्लूबेरी के भंडार पड़े हुए हैं हर जगह ब्लूबेरी की है मैंने बहुत सारे ब्लूबेरी तोड़ लिए एंड उन्हें मैं पर्पल डाई में एक ब्लूबेरी से मुझे बहुत सारे डाई मिल जाएंगे एंड उससे मैं आराम से कलर कर सकता हूँ उन्होंने बहुत सारे ग्लासेस बना लिए वॉयलेट ग्लासेस एंड मैं उन्हें लगाने वाला हूँ एंड फिलहाल देखो मुझे यहाँ पे ब्लैक कॉन्क्रीट की एक बाउंड्री बनानी है ठीक है तो देखो अब ये ब्लैक सीमेंट है इनके पास इन्हें ग्रेविटी लगती है ठीक है ना सो मैंने इनके सपोर्ट के लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके बनाया हुआ है ऐसे ब्लैक ग्लास ताकि भाई मैं इनके सपोर्ट के लिए मैं पहले लगा दू एंड जब मैं इनके ऊपर से पानी मारूंगा तब तो भाई कॉन्क्रीट में बदल जाएंगे एंड कॉन्क्रीट बदलने के बाद मैं सपोर्टर हटा दूंगा कौस तब तब इनके पास ग्रेविटी नहीं रहेगी तब ये चिपक जाएंगे इसीलिए अभी सीमेंट है तो इनके लिए सपोर्टर बनाना पड़ेगा इसलिए मैं यहाँ पे बीच में टेम्प्ररी ग्लासेस लगा दे रहा हूँ और ये जो मैंने पहले ब्लैक और ब्लू वलर से बना के ट्राई किया था बट वो भद्दे लग रहे थे इसलिए वैसे ब्लू अच्छा लग रहा था बट यार ब्लू तो मैं बना सकता नहीं इसीलिए तो टेम्पोटरी ग्लास से मैंने उन्हें यहाँ पे यूज़ कर दिया सपोर्टर के लिए ताकि वो वेस्ट ना हो कुछ तो यू काम करूंगा ना इसका बनाया है तो भाई ओके okay, सो so उतना करने के बाद मैं पर लग गया उसकी इसका बेस बनाने के लिए जो कि मैं बनाने वाला हूँ बर्च के वुड से यस yes. एंड अभी मैं इनके जो वाइट व्हाइट जहाँ स्पेस है ना मैं पूरे में पर्पल ग्लास भर दूँगा एंड सेम चीज़ मैं दो तीन फ्लोर और भी रिपीट करूँगा यही सेम चीज़ पिलर बनाओ ऐसे उसका बैकग्राउंड क्राफी या फिर इसका बेस बनाओ ये सेम चीज़ मैं करने वाला हूँ दो तीन फ्लोर तक तो ये बहुत किस्म में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगेगी तो मिलता हो तो हम दो मिनट बाद दोनों भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली इसमें करने में अभी मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा काम कर दिया है देखो मैं तुम्हें बताता भाई कैसा मैंने किया वैसे ठीक है लग रहा है तो मैंने कुछ इतना काम किया है यहाँ पर भाई इतने में करने मेरी पूरी फटके हाथ में आ गई है भाई मैंने टूटल मेहनत चार फ्लोर्स बना दिए ब्रो मैंने इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत की ना भाई चार फ्लोर सर्वाइवल बहने में मुझे तीन से चार घंटे लगे सिर्फ इसने करने में चार नहीं तीन लगे चार नहीं तीन तो लगे हैं भाई भाई इतना मैं लग के ना भी भी ये ना भाई मैं क्या होता एंड अभी भाई ये जो भी तो ये सीमेंट में ठीक है देख तुम लोग दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे नीचे सपोर्टर लगाए हुए हैं सीमेंट के लिए कौन सीमेंट डालू तो भाई ग्रेविटी लगती है नीचे गिर जाएंगे इसलिए मैंने पे सपोर्टर लगाए हुए हैं एंड अभी मैं इसमें पूरा पानी डालूंगा ऊपर से एंड पूरा पानी से कॉन्क्रीट में डल जाएंगे एंड में थोड़ा कलर भी ग्लो करके कलर आएगा एंड प्लस ये सपोर्टर मुझे हटाना होगा ताकि अब भी पानी डालने के बाद पूरा गरक हो जाएंगे एंड भी बिना सपोर्टर के खड़े रह सकते हैं पूरी बिल्डिंग में तो भाई मैं एकदम टॉप से पानी डालूंगा ताकि पूरे बिल्डिंग में पानी चल जाए ठीक है तो मैं भाई टॉप पे आ चुका है अभी मैं पूरे में पानी डालने वाला हूँ एंड and... एक सेकेंड मैं पानी लाना भूल गया अभी मैं कितना बड़ा कहता हूँ भाई मैं पानी लाना ही भूल गया अभी नहीं पूरी बच्चा बचा बच्चा बच्चा बच्ची के मुँह में लगी लेकिन उतना जोर से नहीं है कि मुँह में लगी खैर बगल में पीछे न दिए मेरे पास टोटल बाईस बाल्टियाँ मैं बाईसों को भर के लाता हूँ अच्छे से भी पूरा मस्त ऊपर से मैं बाईसों बाल्टी पूरा डालूंगा एंड ये आराम से उनको जम्प लेना मरा तो मैं ही समान जाएगा बहुत बहुत नुकसान हो जाएगा ओके okay. तो यहाँ मैंने पूरा ऊपर से पूरा पानी टॉप पे डालना स्टार्ट कर दिया ये पूरा पानी ऊपर से नीचे तक पूरी बिल्डिंग में फैलेगा एक एक सेंट पर पानी पड़ जाएगा एंड पानी पटने के बाद ये सारे सीमेंट कनेक्ट बदल जाएंगे हार्ड हो जाएंगे इनके बाद में सपोर्टर्स भी हटा दूंगा इजिली ओ भाई साहब बिल्डिंग तो काफ भाई देखो भाई पूरी बिल्डिंग भींग चुके सब कुछ कॉन्क्रीट का बन चुका है ब्रो अभी मैं इन सब का सपोर्टर हटा रहा है इन सपोर्टर को हटाने के बाद बस मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर एक दो इनके फ्लोर बना दूंगा वो वुड के एंड उसके बाद भी इतना सारा काम कंप्लीट हो जाएगा एंड भाई इतना ही रहेंगे भाई मैं इससे ज़्यादा और थोड़ा काम नहीं करने वाला भाई ऑलरेडी इसमें काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हुआ अभी मैंने बहुत किया एंड रे बहुत इंटीरियर की और भी इसकी डिटेलिंग डिजाइनिंग की तो वो सब मैं इसकी अलग से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें पूरा इंटीरियर पूरा जैसे ये भी तो नॉर्मल सादा बिल्डिंग लग रहा है तुम लोग कोई कोई होटल टाइप लगने लगा लेकिन भाई जब मैं इसकी इंटीरियर डिजाइनिंग करूंगा ना इतना मैं इसे मस्त बना दूंगा ना इतना ब्यूटीफुल तुम लोग क्या देखती है कि अपना मुँह फाड़ दोगे तो ओके ये रही पूरी बिल्डिंग तुम लोग के सामने मस्त कंक्रीट की एंड यहाँ पर सब कुछ मैंने यहाँ पे टोटली इसके जो वुड के जो फ्लोर है मैंने वो तक बना दिए हैं ठीक है थीके? अब मैं इससे अदा और नहीं करने वाला भाई उतने मेरे बहुत हो चुका है एंड रही इसकी पूरी डिजाइनिंग डेलिंग है भाई सब कुछ इंटीरियर सब कुछ मस्त मस्त मैं अब लाइटिंग सब करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में पूरा इसे मस्त डेली फाइव स्टार क्या वन लैक स्टार होटल बना दूंगा एंड फिलहाल आज की वीडियो इतना ही रहने देते हैं और तुम लोग को ये पसंद आएगा तो लाइक जो उससे कर देना और चैनल पे न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो मल्टी क्राफ्ट खेल दो माइंग कुछ भी खेल दो सब्सक्राइब कर देना यार एंड मैं तो कॉर ब्रांड न्यू वीडियो में तब देख के लिए गाइस बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू तुम का सेवन हंड्रेड सब्सक्राइबर्स के लिए भाई मैंने इमेजिन में गए हम लोग इतनी सुन कर लेंगे खैर वन के भी जल्दी हो जाना चाहिए एंड यार बाय